सच की पड़ताल में हमारी अगली मंजिल है धनबाद की बाघमारा विधानसभा। लोगों को मिलने वाली सामान्य नागरिक सुविधाओं का रियलिटी चेक करने हम बाघमारा के बोकारो पहुंचे। आपको बता दें कि बोकारो स्टील प्लांट बाघमारा विधानसभा में ही है। यहां के लोगों से बात करने पर पता चला कि इस क्षेत्र में पानी और बिजली से लेकर स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं का भी घोर अभाव है। लोगों ने हमें बताया कि क्षेत्र के करीब 18 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, हायर एजुकेशन के लिए भी यहां सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। पानी रुक रुक के, मतलब मोटर सिस्टम, बिजली नहीं रहेगी तो पानी की व्यवस्था, आदमी कैसे नहाएगा, स्नान कैसे करेगा, टाइम पर नहीं होता। सबसे बड़ी समस्या वो है शिक्षा का, जो ये शिक्षा का नगरी माना जाता था, अब वो यहाँ नहीं है। आज बोकारो इस्पात की 18 विद्यालय बंद कर दिए गए हैं, जो कि इसके लिए ख्याति प्राप्त था पूरे भारतवर्ष में कि स्कूलिंग की शिक्षा बोकारो में बहुत अच्छी है। 18 स्कूल बंद होने के बाद जो कुछ प्राइवेट स्कूलें चल रही हैं, उसके बाद हायर एजुकेशन की यहाँ बहुत बड़ी समस्या है, जिसके लिए यहाँ से हजारों करोड़ों रुपया जो है दूसरे प्रदेश में जाता है। बच्चे यहाँ से पढ़ने के लिए दूसरे प्रदेश के लिए पलायन कर रहे हैं। यहाँ तो है ही नहीं रोजगार के नाम पर, धीरे धीरे पलायन यहाँ से लोग बाहर होते जा रहे हैं। और रही बात स्वास्थ्य में, तो स्वास्थ्य में सदर अस्पताल गरीबों के लिए है, लेकिन वहाँ डॉक्टर भी नहीं है और वहाँ दवाई के नाम पे तो कुछ है ही नहीं। उम्मीद रखते हैं कि वहाँ नाली हो, पाइपलाइन बिछे, पानी का समस्या समाधान हो, और इतना होने से जो है विकास बढ़ेगा। रास्ता नहीं है सही से, जहाँ कच्चा रास्ता है, कच्चा ही पड़ा हुआ है। विधायक वगैरह जो है मुँह देख के काम करते हैं। मार्क्सिस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के विधायक अरूप चटर्जी के विधानसभा धनबाद के निरसा में हमारी टीम पहुंची। लोगों को मिलने वाली सामान्य नागरिक सुविधाओं का रियलिटी चेक करने के लिए हमारी टीम ने यहां की सूरज डी गांव को चुना। इस गांव में पहुंचकर हमने देखा कि इस गांव में ज्यादातर कच्चे मकान हैं। लोगों ने हमें बताया कि उनके गांव में बिजली, पानी से लेकर शौचालय तक की सुविधा का भी अभाव है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी सिर्फ कुछ ही लोगों को मिल पाया है। हम लोगों का जो कॉलोनी मिलता है वो सब नहीं मिले हैं, एगो मिले हैं। जैसे हम लोगों का चापाकल का सुविधा नहीं है, पानी का सुविधा नहीं है, घर तो सर देख ही रहे हैं, सब मिट्टी का घर है, गरीबी हाल है। हम लोगों का बहुत प्रॉब्लम होता है सर इस सब में। थोड़ा बहुत चास होता है, पानी के चलते सब मर जाता है, तो बस हो गया। जिसको भी देंगे वैसा ही करेगा, तो एक को तो देना पड़ेगा ना। किसी के पास सिग्नेचर करने जाएंगे तो बोले 50 रुपए देंगे तब सिग्नेचर करेंगे, तो बोली जो ओबीसी के लिए जाएंगे तो पैसा मांगेगा तभी सिग्नेचर करेंगे, तब क्या करें। निरसा के सूरजडीह गांव से निकलकर हम यहां के बरमुड़ी गांव पहुंचे। यहां हमने कुछ लोगों को कच्चे मकान पर बांस की छत डालते देखा। पूछने पर पता लगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना की राह देखते आंखें जब पथरा गईं, तो इन्होंने खुद ही घर बनाने का बीड़ा उठा लिया। दे नहीं रहा, हम लोग बोलते हैं तो बोलता कि मिलेगा मिलेगा, अब कब मिलेगा पता नहीं। आबादी के मामले में धनबाद झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और क्षेत्रफल के नजरिए से ये झारखंड का सबसे बड़ा शहर है। 283 वर्ग किलोमीटर में फैले धनबाद की आबादी 11 लाख से ऊपर है। हम यहाँ लोकतंत्र का सच जानने गए थे। यहाँ के लोगों ने हमें बताया कि धनबाद के दरअसल दो चेहरे हैं। एक चेहरा शहरी क्षेत्र है और दूसरा शहर से 2 किलोमीटर दूर के बाहरी इलाकों का है। दोनों चेहरों में जमीन आसमान का फर्क है। इसके अलावा लोगों ने हमें ये भी बताया
कि धनबाद में बिजली पानी से लेकर महिला सुरक्षा और शिक्षा तक का घोर अभाव है। देखिए सुविधाओं का घोर अभाव है यहाँ पर, कहने कोई शहरी क्षेत्र है लेकिन आप बीच शहर से थोड़ा सा आप आगे जाएंगे, महजमात 2-3 किलोमीटर आप बाहर जाएंगे तो देखेंगे जो मूलभूत जो सुविधाएं होती हैं एक नगर क्षेत्र में होना चाहिए उनका बहुत बड़ा अभाव है। पानी की किल्लत है, नालियों की किल्लत, नालियों का अभाव है। तो ऐसा कई बार हमें उन जगहों पर जाने पर ऐसा प्रतीत होता है कि हम शहर में रह ही नहीं रहे हैं। कि धनबाद शहर का जो मेन रोड है वो तो निश्चित तौर पर बढ़िया है लेकिन थोड़ा सा अगर आप बगल में जाइएगा तो रोड की स्थिति बहुत खराब है। और ट्रैफिक की बात आप मत कहिए, ट्रैफिक की तो इतना बुरा स्थिति है कि लगता है कि यहाँ जितने व्हीकल हैं लगता है कलकत्ता बॉम्बे दिल्ली के बाद ही लगता है धनबाद में इतना व्हीकल है। आए दिन महिला को साथ में हमारी बेटी लोग को साथ में हमेशा रेप हो रहा, मर्डर हो रहा, महिला लोग इस तरह से परेशान हो रही है, लड़की लोग इस तरह परेशान हो रही है जो कॉलेज जाने के लिए सोचती है कि हम आज सुबह जा रहे हैं तो शाम को हम आएंगे कैसे। अपनी माँ बाप हम लोग भी सोचते हैं कि हमारी बेटी कॉलेज गई है तो शाम तो कैसे पहुँचेगी, हर रास्ता में ऑटो हो चाहे बस हो चाहे रिक्शा हो कहीं भी उसके साथ में छेड़खानी हो तो कहाँ सुरक्षित है। हमारी टीम धनबाद के सिंदरी के कुंवरडी गांव में पहुंची। हमने ग्रामीणों से पूछा कि क्या उनके गांव में विकास हुआ है। जवाब में ग्रामीणों ने जो सच्चाई बताई वो हैरान कर देने वाली थी। लोगों ने हमें बताया उन्हें तो पानी जैसी मूलभूत जरूरतें भी आसानी से मयसर नहीं हैं। सर हमारे यहाँ सड़क का भी बहुत मतलब खराब अवस्था है और पानी में भी हम लोग का यहाँ बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। पीने का पानी सर एक हम लोग का यहाँ पे टंकी बना है उसी में मतलब हम लोग का पूरा ये जितना है यहाँ 700-750 वोटर वही यहाँ पे का वही पानी पीता है। हम लोग को पीने को पानी खूब दिक्कत है, इतना हम लोग को दिक्कत में आते हैं ना जब धूप से हम लोग को पूरा धूप से लाने पड़ता है। डॉक्टर उक्टर तो नहीं है, बाल बच्चा को हम लोग को बीमार पड़ता है तो पीएमसी इतना दूर हम लोग को जाने पड़ता है। गरीब आदमी है, 200 रुपया हाजिरी मिलता है उसमें हम लोग खाना है बाल बच्चा को खिलाते हैं न उसमें हम लोग डॉक्टर को देते हैं। लोगों ने हमें बताया कि इस गांव के अधिकांश हैंडपंप खराब हैं। पीने के पानी के लिए ये लोग गांव की एकमात्र टंकी पर निर्भर है। इस टंकी से सारा गांव पानी भी पीता है और अपनी रोजमर्रा की जरूरतें भी पूरी करता है। जल खाबे को नमक चान कोते दिबे हे पानी पानी खाते जल नहीं आमा चान कोते केने दिबे आमी खड़ा लोग खड़ा आदमी बंद देते पानी नहीं 10-15 मिनट पड़ता है उतना नहीं पड़ता है। जो गांव आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इसका नाम है रामपुर। धनबाद के टुंडी विधानसभा का ये गांव पूर्ण रूप से अविकसित है। यहां के लोग मूलभूत सुविधाओं से महरूम हैं। यहां विकास का रियलिटी चेक करने पहुंची टीम को विकास के बदले लोगों की मायूसी और नेताओं के प्रति उनकी नाराजगी मिली। हमारी टीम को यहां आया देखकर गांव की महिलाएं हमारे पास आईं और हमसे अपनी परेशानियां बताने लगीं। उसका बाद इंदिरा आवास घर मेरा नहीं है, खपरा का है। उसके बाद मेरे सुविधा कुछ भी नहीं है सरकारी द्वारा। जल नहीं है रामपुर में, कॉल नहीं है, कॉल है नहीं, गैस नहीं है। यहाँ का स्कूल तो रजवाड़ी काशी डट चल गया है। यहाँ पर स्कूल सामने स्कूल भी नहीं है कि बच्चा जा सकेगा अकेले स्कूल। इस गांव में आगे बढ़ने पर हमें बर्तनों की कतार दिखी। दरअसल ये पानी भरने वाली महिलाओं की लाइन है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में एक गांव ऐसा भी है जहां एक ही हैंडपंप है और इसी एक हैंडपंप से पूरे गांव के पानी की जरूरतें पूरी होती हैं। धनबाद से बीजेपी सांसद पशुपति नाथ सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र के एक नहीं बल्कि दो गांवों को गोद लिया है, जरीमुड़ी और कासापाड़ा।
हमारी टीम इन दोनों गांव में सांसद जी द्वारा कराए गए विकास का जायजा लेने पहुंची। ये हैंडपंप देख रहे हैं आप, और अब ये कुआं देखिए। सांसद जी द्वारा गोद लिए दोनों गांव में करीब 1000 परिवार रहते हैं। वो सभी लोग पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए इसी एक हैंडपंप और कुएं पर निर्भर हैं। हमसे बातचीत में लोगों ने बताया कि उनके यहाँ पानी सबसे बड़ी समस्या है। पीने के लिए पानी है नहीं, खेती और सिंचाई के लिए पानी कहाँ से आएगा? हमारे जल सुविधा नहीं, हमारे लाइन नहीं, हमारे गैस कोई, हमारा है झूरी झाटी से बात रानती। तो पानी का थोड़ा सुविधा चाहिए, जैसे थोड़ा बहुत खेती बाड़ी है तो उसमें थोड़ा पानी देंगे तभी ना खेती बाड़ी सब कुछ होगा। तो हम लोग को कुछ सेवाएं नहीं है तो खेती बाड़ी कैसे होगा? पानी एक तो चापाकल है, उसी से हम लोग पूरे गाँव वाला खाते हैं। ज्यादातर जो है पानी का दिक्कत है, घर का दिक्कत है, गैस का दिक्कत है, और यहाँ पर श्रम का सबसे ज्यादा दिक्कत है। पानी अगर मान लीजिए कि पानी यहाँ बारिश हुआ तो हुआ खेती बाड़ी, यहाँ एक भी नलकूप नहीं लगाया गया। चापाकल जितना है खराब है, सिर्फ एक चापाकल चालू है। यहाँ की महिलाओं ने बताया कि उनका पूरा दिन पानी की व्यवस्था करने में ही निकल जाता है। इतना ही नहीं, क्योंकि बच्चे भी पानी भरते हैं, इसीलिए कभी कभी उनका स्कूल भी छूट जाता है। पानी का दिक्कत है, पानी कभी कभी दिक्कत होता है तो हम लोग दूर से लाते हैं, पानी दूर से लाते हैं, काम पानी उन्हें भरते हैं, बच्चा स्कूल जाता है तो पानी उन्हीं के चक्कर में बच्चा भी नहीं जा पाते हैं, कहे कि बाल बच्चा सबको मिलकर भरते हैं। हमने आपको सांसद जी के गोद लिए गांव का हाल दिखाया, अब फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। अब आप तय कीजिए कि अपने गोद लिए गांव के बारे में सांसद जी के दावे सही हैं या गांव वालों की पीड़ा सच्ची है।